हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो फ्रेंड्स, टुडे वी वुड बी टेकिंग अप टू क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक टॉपिक है। द टॉपिक इज इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, व्हिच आई वुड बी टेकिंग अप फ्रॉम अ जीरो लेवल। और कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा कोई पॉइंट ना हो जैसे पहले वाले टॉपिक्स में रहा है, करते रहे हैं, कि कोई पॉइंट ना हो जो आप क्वेश्चन जब आएगा तो आप सॉल्व ना कर पाओगे। दैट विल नेवर बी द केस। हाँ जी, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार उसमें से क्वेश्चन क्या है, बाइबल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ बिन टेकन टू अ न्यू हाइट इन द लास्ट वन डिकेड, क्रिटिकली एनालाइज। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले एक डिकेड में, दशक में काफ़ी अच्छी लेवल के ऊपर चले गए हैं। इसको मैं क्रिटिकली एनालाइज करना भी, क्या ये सही है या कहाँ कहाँ पे ऐसा जहाँ पे हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इज, एटीट्यूड इज़ वेरी इसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। वॉट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, और हमें देखना कि एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस क्लास, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अभी तक जो भी हुआ है, जो टॉपिक्स हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एथिक्स वाले में दिक्कत है? पुष्पिंदर, शायद आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि एथिक्स के बारे में क्या बोला हुआ है, आप उसको 4-5 बार सुनिए, आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। आंसर भी है? हाँ, आंसर आपको व्हाट्सएप करने हैं। हाँ जी, एंड एक एक वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि व्हाट्सएप आपको सेम डे ही करने हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट, दैट्स एप्लीकेबल। अगर उसके बाद नेक्स्ट डे आप मैसेज या जो भी आप आंसर लिख के भेजोगे तो वो आपको पहले ही कन्वे कर दिया गया था, दैट विल नॉट बी वैल्यूएटेड। जो सेम डे भेजोगे तो उसको वैल्यूएट हो जाएगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इसको अच्छे तरीके से समझो। आपका नंबर तो सबको ही दिया हुआ है। नहीं, विधि 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी, 2-3 स्टूडेंट्स ही हैं, एक विधि है, एक आधा कोई और है जिसका रह गए हैं, बाकी सबके सेम डे भेज देते हैं। 2 डेज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसकी वजह से प्रॉब्लम। पर्सनल नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसी पे बात होगी कुलविंदर। चलो, अब थोड़ा पूरा ध्यान क्लास में ही देना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्चुअली, बिकॉज यहाँ से जो इंडिया स्पेशली फोकस है इंडियाज नेबरहुड पे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। गॉन आर द डेज जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता था, जी इंडिया एंड बांग्लादेश की मीटिंग हुई थी और इसका क्या आउटकम था, इतने लॉटरी वाले क्वेश्चन वो तब आने बंद हो चुके थे जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, यूपीएससी विल नेवर बी आस्किंग दीज सिली क्वेश्चंस कि इसका जी ऐसे ऐसे हो गया तो बताओ जी क्या आउटकम था, मोदी और शेख हसीना जो वहाँ की हेड है आपस में दोनों की मीटिंग हुई, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, कुछ नहीं साइन हुए, बताओ। यूपीएससी विल नेवर बी आस्किंग दीज थिंग्स, यार कभी नहीं पूछेंगी। हाँ, आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ था, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिकली किसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा जी, दैट विल नेवर बी हैपनिंग। हाँ, पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज आप कहोगे इन इन एरियाज में रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं, दैट इज व्हाट कैन बी फोकस्ड अपॉन। चलो, इंडिया एंड बांग्लादेश, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट देयर आर सर्टन रिपोर्ट्स दैट हैव बीन देयर। रिपोर्ट्स बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ दैट इंडिया एंड बांग्लादेश इज कंपेरेटिवली बींग कैरिंग एट प्रेजेंटली।
स्टेट लेवल तो ऐसे ही निकल जाएगा। चलो नाउ बांग्लादेश, व्हेन वी टेक इन टू कंसिडरेशन द ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश, जहाँ हमें जब बांग्लादेश का पहला नाम हमारे देश दिमाग में आता है, बांग्लादेश में क्या लगता है, अरे एक पछड़ा हुआ सा देश है, देश एक्सेट्रा, पता नहीं लोग कैसे रहते होंगे। जैसे फॉरेन वाले यूरोप वाले हमारा एक आइडिया रखते हैं, वैसी सेम हम आइडिया रखते हैं बांग्लादेश और म्यांमार का। बट ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश प्रेजेंटली इज हैविंग अ ग्रोथ रेट दैट इज मच बियॉन्ड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। हमें लगता है कि बांग्लादेश एक पछड़ा हुआ देश है, एंड बांग्लादेश नो डाउट इज ऑल्सो बींग क्लासिफाइड एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। टेक फॉर एग्जाम्पल द थ्री टाइप्स दैट आर देयर, वन इज डेवलप्ड, वन इज डेवलपिंग, एंड थर्ड इज अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया इट कैन बी, न्यूजीलैंड कैन बी। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर बेसिकली इन द नदर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ दिस वर्ल्ड, नदर्न हेमिस्फीयर। सेंट्रल और सदर्न वाले पार्ट में बेसिकली काफ़ी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती है, पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मली कैटेगराइज करने के लिए है। जो कंट्रीज पहले जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन शुरू होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी, उनको हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल दे हैव डेवलप्ड इकॉनमीज, डेवलप्ड कंट्रीज। और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ सोशल डेवलपमेंट, इट इज़ कल्चरल डेवलपमेंट, इट इज़ रिलीजियस डेवलपमेंट, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर इनमें से बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स आपका इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री काफ़ी सही चल रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, राजनीतिक तौर पे स्टेबिलिटी है, और उसी स्टेबिलिटी होने की वजह से ही आप में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी सी आ चुकी है, अब कोई वहां पे दंगे या कुछ और नहीं हो रहा है। रिलीजियस डेवलपमेंट मीन्स जहां पे अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, एंड दे आर नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर एनी अदर पर्सन। डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड, these nations have comparatively developed for various reasons. Second is वहाँ पे economy काफ़ी ज़्यादा facilities, जैसे आज के context में आप simple भाषा में समझने के लिए लगा लीजिए European countries, for example Canada हो गया, USA हो गया, France हो गया, Germany हो गया, comparatively developed nations, developing, उनसे नीचे वाले। यहाँ पे development अभी थोड़ा time पहले शुरू हुई है। Take for example, it has started in 1940s, 1950s, 60s, 70s. कुछ कंट्री जो हिंदुस्तान से थोड़ा समय पहले आज़ाद हो गई और कुछ उसके बाद में आज़ाद हुई और अपनी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ अभी डेवलप हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बट इन दिस डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे इन दिस डेवलपिंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कंपेरेटिवली कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट नहीं हो रही है, उनमें से कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को कैटेगराइज कर दिया है एमर्जिंग नेशंस। नॉर्मली इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, नॉर्मली इट इज द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। पर डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ ऐसी कंट्री जहां पे ग्रोथ कंपेरेटिवली ज्यादा हो रही है दूसरे के मुताबिक में, और जो अब डेवलपिंग से बाहर होके डेवलप्ड की तरफ मूव करेंगे, उसके बीच में आप ऐसा लगा लो एक इंटरमीडिएट फेज सा लगा दिया है, एक रास्ता स्टॉप लगा दिया है कि अब यहां से आप अगले पड़ाव पे चले जाओगे, उसको क्या बोलते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट आर देयर, इमर्जिंग कंट्रीज दैट आर देयर, जैसे इंडिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, जहां पे कंपेरेटिवली ग्रोथ ज्यादा हो रही है दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज की कंटेक्स्ट में। इज इट क्लियर, इतना समझ आया सबको? चलो ठीक है, एक है डेवलप्ड हो गया, एक उससे नीचे इमर्जिंग हो जाएगा, उससे नीचे डेवलपिंग हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला फॉर एग्जांपल अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लेट शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लगा लो कुछ 15 साल पहले, कुछ 20 साल पहले, कुछ 25-30 साल पहले,
क्यों? बिकॉज वहां पे सेम लेवल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, वहां पे सेम लेवल का इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलता, वहां पे आपको सामाजिक तौर के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली थी. प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, बट रिसेंटली कुछ समय में कुछ कुछ देशों ने वहां पे स्टेबिलिटी आ चुकी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. अभी अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड होते हुए भी आपकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, एंड बांग्लादेश इज वन ऑफ द कंट्री दैट इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज अंडर डेवलप्ड, और बांग्लादेश को हम अंडर डेवलप्ड वाली कैटेगरी में रख रहे हैं. पर जिस लेवल पे बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रही है, जिस लेवल पे बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, टेररिज्म को काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिसकी मल्टीपल रीजंस की वजह से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि इंडिया को भी सरपास कर चुका है, और कहा जा रहा है रिपोर्टों के आधार के ऊपर कि बाई 2026 ये डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री से निकल के डेवलपिंग कंट्री की तरफ मूव कर जाएगी. बांग्लादेश जो अभी अंडर डेवलप्ड है, अगर सेम लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल 7% रिसेंटली जो चल रहा है, सेम लेवल के ऊपर इनका इकोनॉमिक ग्रोथ होता गया तो 2026 तक ये अंडर डेवलप्ड वाली कैटेगरी से निकल के डेवलपिंग कंट्रीज वाली कैटेगरी में चली जाएगी. अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होती है उनको ये डेवलप्ड कंट्रीज कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, इनको नहीं देते, इनको कम देते हैं. एग्जाम्पल, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाया इनकी इंडस्ट्री ने, अंडर डेवलप्ड वाली कंट्रीज ने. आज टेक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, बांग्लादेश ने कुछ प्रोडक्ट बनाया टेक्सटाइल और वो एक्सपोर्ट करेगी फॉर एग्जांपल यूएस को. ऑन द अदर हैंड इंडिया इज वन कंट्री, उसने प्रोडक्ट बनाया वो एक्सपोर्ट करेगी यूएस को. अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगी तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, थोड़ी सी कम लगेंगी. टेक फॉर एग्जाम्पल एक है जर्मनी, वो भी डेवलप्ड है, एक है यूएसए, वो भी डेवलप्ड है, एक है इंडिया, वो है इमर्जिंग है, एक है बांग्लादेश, वो अंडर डेवलप्ड है. अगर जर्मनी अपने गुड्स यूएस को भेजेगा, एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर 15% ड्यूटी लगेगी. अगर इंडिया अपने गुड्स भेजेगा उसके ऊपर 10% लगेगी. अगर बांग्लादेश भेजेगा इसके ऊपर 0% लगेगा. कहने का क्या मतलब हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए उनके काफी, ऐसा नहीं कि सभी के सभी, उनके काफी प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी टैक्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना अलाउ करती है. इसी के चलते बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हो चुकी है और अंडर डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी से निकल के अब डेवलपिंग कैटेगरी की तरफ मूव कर रही है. इतना क्लियर है सबको? When this growth started taking place, जब बांग्लादेश का ग्रोथ होने लगा, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज ज्योग्राफिकली देखते हो इंडिया, जैसे बांग्लादेश क्या है, इट इज़ ईस्टर्न पाकिस्तान. पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में डिवीज़न हुआ, उस डिवीज़न के चलते हुए एक ईस्ट बांग्लादेश, एक वेस्ट बांग्लादेश, सॉरी एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्टर्न पाकिस्तान. जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो तो आज प्रेजेंट वाला पाकिस्तान हो गया. जो बांग्लादेश वाला रीजन था उसको बाद में 1971 में इंडिया ने भी हेल्प करी, अपने भी वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे जिसके चलते हुए 1971 में वहाँ पे रूल अपने इंडिपेंडेंट कंट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश होने में कामयाब होगी. एंड 4 साल तक वहाँ के प्रेजिडेंट हेड रहे, फॉर एग्जाम्पल शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के 4 साल हेड रहे. इन फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान. चलो पहली बात, दूसरी बात, अब नाउ तब से इंडिया का कंपैरेटिवली क्लोज रिलेशन बांग्लादेश के साथ बना हुआ है फॉर टू रीजंस. पहला कारण क्या हो सकता है? हमने उनको आज़ादी में हेल्प करी, थोड़ा बहुत आर्म्स भी सप्लाई करे, और सबसे बड़ी बात है 10 मिलियन रिफ्यूजीज बांग्लादेश में आए और हमने उनको शरण भी दी. दो रीजन हुए. पहला रीजन, हमने बांग्लादेश को उसकी आज़ादी के लिए सपोर्ट किया पाकिस्तान से. दूसरी बात,
नॉट ओनली दिस बट उनके जो 10 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए थे जो वहाँ से निकाले जा चुके थे उनको हमने अपने जगह पे यहाँ पे शरण भी दी, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और जो उनमें से कुछ लोग दिल्ली या अलग अलग जगह पे आकर भी अपने आप को बसा लिया, रहने लगे। सेकेंडली नॉट ओनली दिस और बांग्लादेश अगर आप देखोगे, अगर कनेक्टिविटी के कंटेक्स्ट में अगर इंडिया ने कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से, तो इम्पॉर्टेंट रीजन है, या तो हम बंगाल के ऊपर वाले रीजन से जाएंगे जिसको चिकन नेक बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, या हम फॉर एग्जांपल जा सकते हैं बांग्लादेश के क्रॉस करके। देयरफॉर अगर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी है, अगर उनकी डेवलपमेंट बढ़ानी है, देयरफॉर द नीड ऑफ आर इज टू डेवलप गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, इसलिए बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन होना हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। इसी वजह से 2-3 थिंग्स दे कम साइमल्टेनियसली। इनिशियली बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पहली बात, बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनानी है तो बांग्लादेश को, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है वो एक अलग से भी हम टॉपिक करेंगे जो अभी एक्ट ईस्ट बन चुका है। लुक ईस्ट का या एक्ट ईस्ट का आज के कंसिडरेशन में आप इतना समझ लो कि हमने अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऊपर ध्यान देना है और जो कंट्रीज हमारे ईस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, म्यांमार, और वहाँ पे उनके साथ अच्छे रिलेशन बने हैं, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार एंड मल्टी, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। अभी लुक ईस्ट को हमने एक्सपेंड करके एक नए लेवल पे लेके चले हैं, वहाँ पे एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट का मतलब ठीक है चल रहा है, एक्ट ईस्ट मीन्स अब हम उसके ऊपर कंपेरेटिवली ज़्यादा ध्यान से इनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी जब हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए बांग्लादेश का हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना बनता है। नॉट ओनली दिस, मोदी आए, व्हाट डिड मोदी से? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड अदर पीपल ऑल्सो सेड। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मीन्स हम अपने इंटरनेशनल राजनीतिक तौर के ऊपर रिलेशंस को मेंटेन करने के कंटेक्स्ट में हम अपने नेबर्स के साथ पहल रिलेशन बनाने की पहल रखेंगे। देयरफॉर जब 2014 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, ही कॉल्ड, उन्होंने अलग अलग कंट्री जो पड़ोसी कंट्री थी खास करके इनके हेड्स को कंट्री में बुलाया, और बांग्लादेश ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो शेख हसीना को भी बुलाया गया जो 2008 से लेके सरकार में अभी तक बनी हुई है, कॉन्टिन्यूसली इलेक्टोरल विक्ट्री शी इज गेनिंग। तो अब क्या बांग्लादेश इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द नॉर्थ ईस्ट, फॉर ईस्ट एशिया एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल फॉर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगर हम इसको जोग्राफिकल लोकेशन के कंटेक्स में देखें, आगे मूव करेंगे जहाँ पे हमें ये कनेक्टिविटी और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के साथ मिलके भी हमें किस तरीके से एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है अगर हमने अच्छे तरीके से अपने रिलेशन कंट्री के साथ मेंटेन करने हैं। तो बांग्लादेश इज इम्पॉर्टेंट। हमने अभी तक 2-3 चीज़ करी है। पहला चीज़ क्या करें, कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं, एमर्जिंग होती है, डेवलपिंग होती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, फर्स्टली। सेकेंडली बांग्लादेश क्यों हमारे लिए ज़रूरत है, उसमें से हमने एक पॉइंट किया है, जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और आज के कंटेक्स्ट में अगर वो अंडर डेवलप्ड से निकल के डेवलपिंग की तरफ मूव कर रही है, मीन्स वी नीड टू मेक गुड रिलेशन विद दिस कंट्री, मतलब हमें इस देश के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है, और अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के बहुत सारे रीज़न है, उस पर कुछ रीज़न ये फॉलोइंग रिपोर्ट्स भी अभी जो रिसेंटली इशू हुई है। The report has been issued, for example, by the World Bank. World Bank ने अपनी report निकाली है and say that अगर connectivity बढ़ती है India और Bangladesh वाले region में, अगर India और Bangladesh वाले region में connectivity बढ़ती है,
कनेक्टिविटी शब्द का मतलब क्या हुआ? अगर हम आपस में रोड्स एक्सचेंज करते हैं, अगर रेलवे कनेक्टिविटी है, अगर एयर कनेक्टिविटी है, अगर सी कनेक्टिविटी है, या कैसे भी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, कनेक्टिविटी का मतलब जैसे हम बांग्लादेश को 600 मेगावाट पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को 10 Mbps की लेवल के फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सर्विसेज दे रहा है, कनेक्टिविटी इंटरनेट सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, क्योंकि उसके लिए आसान है, और हमें पावर दे रहे हैं बिकॉज हमारे लिए बिजली बनाना आसान है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम। विक्की एक बार देख, प्रॉब्लम आ रही है कोई? इट्स फाइन, एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ। वी नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, एंड फॉर दैट वी नीड, एंड फॉर दैट देयर मल्टीपल रीजंस, एंड वन ऑफ द रीजन इज दैट देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग अप। फॉर एग्जांपल द रीसेंट रिपोर्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय बांग्लादेश, सॉरी वर्ल्ड बैंक, इसने रिपोर्ट ने क्या बोला, इफ कनेक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम या फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम वुड बी इंक्रीजिंग। अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी दोनों की दोनों कंट्रीज में, और इसने क्या बोला, नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी बांग्लादेश और इंडिया दोनों की दोनों की, कनेक्टिविटी का मतलब। अरे आप वॉइस पे ध्यान दो ना यार। चले आगे, देखिए देख थोड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा, सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हैं ऊपर वाला, चलो if connectivity is increasing there would be an increase in the national income of both the countries, and to such an extent it says that the national income of Bangladesh will increase by 17% and national income of India will be increasing by 8%। connectivity, agar dono deshon mein connectivity badhti hai dono hi deshon ki national income comparatively badh jayegi, India ki 8% और बांग्लादेश की फॉर एग्जाम्पल 17% नेशनल इनकम, बहुत बड़ी बात है फर्स्टली। सेकेंडली नॉट ओनली द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बट ऑल्सो द स्टडी वॉज कैरिड आउट बाई कनेक्टिंग टू थ्राइव्स, द स्टडी का नाम है कनेक्टिंग टू थ्राइव्स, बेसिकली ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया वाले कंटेक्स्ट में। इसने क्या बोला, अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है देर वुड बी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इंडिया को एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को, वो भी कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएंगे वहां पे। हम बताता हूं एक बार, ये पॉइंट सुन लो, इन दोनों की कनेक्टिविटी अगर बढ़ती है तो वहां पे होगा। फॉर एग्जांपल इनकी है, इन्होंने क्या बोला, अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है देयर वुड बी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स दैट वुड बी टेकिंग प्लेस from Bangladesh to India at a level of 297%। इतने ज़्यादा exports बढ़ जाएंगे उनके, और अगर India के exports बढ़ते हैं it will be 172% export बढ़ जाएंगे। One question that is coming up, मानसी ने बोला कि बांग्लादेश की क्यों बढ़ेगी, एक सिंपल सी बात है, किसी की ग्रोथ रेट है 5% और किसी की ग्रोथ रेट है 10%, इसकी अगर बढ़ती है 10% फॉर एग्जाम्पल बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 5.5%, इसकी अगर बढ़ती है फॉर एग्जाम्पल जब इसका डबल हो जाएगी, डबल होगी कितना होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल डबल भी है तो 10%। अब छोटी ग्रोथ रेट जब होगा उसको डबल करना, उसको इंक्रीज करना कंपेरेटिवली आसान है,
एज कम्पेयर टू अमेरिका, एज कम्पेयर टू इंडिया, जहां पे ऑलरेडी ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब अगर आपकी ग्रोथ रेट है 2%, अब 2% से लेके 5% तक करना आसान है, लेकिन 5% से लेके 6% तक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 7% आसान है, 7% से बाद 9% करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसके लेवल का 100% इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कंट्री इस वजह से क्या बोलते हैं, कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दूर दृष्टि अपनी सोच रखते हैं, वो ऐसी कंट्रीज में फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस करते हैं जहां पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई बेसिकली 1991 और खास करके 2000 के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है जो पहले नहीं थी। तो जो बिजनेसमैन वाले लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे इन्वेस्ट कर गए तो वो अब ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। सेम इज़ द केस विद बांग्लादेश। जो लोग बांग्लादेश में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कंपेरेटिवली बाद में फ़ायदा होगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक आया है कौन सा मनी आता है वो डिजिटल करेंसी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बिटकॉइन वाला। यस, बिटकॉइन जब इनिशियल फेज में आया था तो कुछ ज़्यादा नहीं यार, 2-3 साल पहले की बात है, 40-50-100 रुपये, 400 रुपये तक मिल जाता था। अब उसकी 40,000 तक बढ़ चुका है यार। दैट हैज़ ग्रोन, क्रिप्टो हैज ग्रोन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्यों? लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइंस कैन बी माइंड। जब शुरुआत होती है तो वहां पे कंपेरेटिवली पॉसिबिलिटीज ज्यादा है पैसा इन्वेस्ट करोगे आउटकम आने का। देयरफॉर द रिपोर्ट सेज दैट नेशनल इनकम वुड बी इंक्रीजिंग ऑफ बोथ द कंट्रीज इफ द इफ देयर इज अ कनेक्टिविटी। इफ देयर इज अ कनेक्टिविटी इट सेज दैट द एक्सपोर्ट ऑफ बोथ द कंट्री विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। देयरफॉर इट कंपेरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट दीज टू कंट्रीज इफ कनेक्टिविटी इज देयर and there is a good potential that growth will also be coming, connectivity hai aur growth bhi aayega, to automatically ban jata ki dono countries aapas mein acche relation maintain karke hi rakhein. ruk to jao, mera concern usme zyada hai jo maine karwa diya hai wo nahi clear hua, jo abhi tak karwaya hi nahi hai uske upar mera itna dhyan nahi hai, abhi aayega to us time pe fir karenge. हम कौन सा शरीफ है, अभी हम इलीगल ट्रेडिंग नहीं करते। चलो, इज इट क्लियर टिल नाउ फॉर एवरीवन? चलो स्टार्टिंग, अब ये रिलेशन बहुत दूर तक पहुंच चुका है, लेकिन इनिशियल फेज में इंडिया वॉज इन अ पोजिशन टू डेवलप गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था, बिकॉज इंडिया हैड सपोर्टेड इनिशियली, किसको सपोर्ट किया था, बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस अचीव होगी। जब इंडिपेंडेंस अचीव हुई, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो वी वर इन अ पोजिशन टू गिव रिफ्यूज टू 10 मिलियन पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। अब अलग अलग टर्म्स है, रिफ्यूजी क्या होता है, असाइलम सीकर क्या होता है, और एक माइग्रेंट क्या होता है। आई थिंक इसी हफ्ते में एक दिन परसों का टॉपिक भी है रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन इंडिया, तो वहाँ पे आप इस बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से डिस्कस करेंगे। अब सिंपल भाषा में, आज देसी भाषा में समझ लो, रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जहाँ जिनको अपनी कंट्रीज़ में पोलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, सोशल डिफरेंसेस की वजह से, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से प्रोसिक्यूशन जेल नहीं पड़ रही है, मतलब इन डिफरेंसेस की वजह से इन लोगों को अपनी देश में अपनी जान का खतरा है और वो भाग के दूसरे देश में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। यहाँ पे आके रिफ्यूज ले लेते हैं, बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, चाइना से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। फर्स्टली, सेकेंडली असाइलम सीकर, जो लोग यहाँ पे आके शरण में आ गए हमारी, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि उनकी जान को उनके देश में खतरा था कि नहीं था। जब तक ये प्रूव नहीं होगा तो होगा असाइलम सीकर, शरण में आया हुआ है, लेकिन अगर प्रूव हो गया कि उनकी जान को, उसकी जान को उसके देश में खतरा था, तो वही असाइलम सीकर रिफ्यूजी बन जाएगा। तीसरा माइग्रेंट, अपनी मर्जी से अपने अच्छे भविष्य के लिए हम कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट।
तीन कॉमन सी टर्म है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आती है, रेफ्यूजी क्या होता है, असाइलम सीकर क्या होता है और माइग्रेंट क्या होता है। सिंपल आप देसी भाषा में आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो नॉर्मली हम यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कुछ आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक दिन टॉपिक ये भी इसी हफ्ते में एक टॉपिक शेड्यूल्ड है तो वहाँ पे आएगा। तो कहने बस यहाँ तक सीमित रखो कि 10 मिलियन रेफ्यूजीज को हमने शरण दी और बांग्लादेश को उसकी आज़ादी में हमने हेल्प भी करी थी पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। तो शुरुआती दौर के ऊपर ही हमारे रिलेशन कंपेरेटिवली अच्छे है। उसके बाद 1971 जब आज़ाद हुआ और उसके बाद 2008 तक अप्स एंड डाउन्स रहा है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में। कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती थी, कहीं डेमोक्रेसी को छोड़ के फॉर एग्जांपल वहाँ पे मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश किया जाता था। फॉर एग्जांपल 1971 से लेके 1971 से लेके 75 तक जो रूल, फॉर एग्जांपल शेख मुजीबुर रहमान थे, टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट 75 में ही वाज असैसिनेटेड और उसके बाद फॉर एग्जांपल जियाउर रहमान आ गए, ही वाज बेसिकली जनरल, ये रूल कर रहे थे 75 से लेके 81 तक। 1982 से लेके 91 तक जनरल एचएम इरशाद आ गए, He was ruling. उसके बाद 1991 में डेमोक्रेसी वहां पे एस्टेब्लिश हो गई थी एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट शेख हसीना इज द हेड ऑफ बांग्लादेश बेसिकली फ्रॉम 2008। कंपेरेटिवली वहां पे हमारे अच्छे रिलेशन भी काफी हद तक हुए, द प्राइम मिनिस्टर इज देयर। इट इज बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, इसकी एफर्ट की वजह से शेख हसीना इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंपेरेटिवली जिसके साथ हमारे रिलेशन बांग्लादेश के एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं, बिकॉज वो इंडिया की प्रॉब्लम को समझती है। इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि ज्योग्राफिकली वी आर बाउंड टू ईच अदर, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं ज्योग्राफिकली, हम चाह के भी सेपरेट नहीं हो सकते। देयरफोर जैसे फॉर एग्जांपल एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ऐसे आया था आई थिंक 2008 या 2010 में ऐसे क्वेश्चन था, यू कैन चेंज योर हिस्ट्री बट नॉट योर ज्योग्राफी, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। हिस्ट्री तो चेंज हो जाती है, आप अच्छा इंप्रूव कर दो, लेकिन ज्योग्राफी आपको बाउंड कर देती है। अब पाकिस्तान जहां पे है वहीं पे रहेगा, बांग्लादेश वहीं पे रहेगा, म्यांमार वहीं पे रहेगा, चाइना वहीं पे रहेगा, ठीक है थोड़ा बहुत जीत गया हार गया बात अलग लगी रहती है, बट ऑन दी अदर हैंड यू कैन नॉट चेंज योर ज्योग्राफी। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दीज नेशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दीज नेशंस दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ज्योग्राफी नहीं चेंज कर सकते, पुराने रिलेशंस हमारे ऊपर नीचे चलता रहा है, इंडिया ने हमें हेल्प करी थी बांग्लादेश अलग से बनाने के लिए, नाउ टाइम हैज कम, अगर वहां पे स्टेबिलिटी आती है the relations can be improved between both the countries. Sheikh Hasina, she became the prime minister in 2008 aur wahan se comparatively the continuity hi chal rahi hai and iske baad aap aise keh sakte ho ki India aur Bangladesh ke aapas mein relation mein comparatively kafi improvement dekhne ko mila hai. Kaise? There has been an improvement. For example, there was a security threat that was coming to India. Basically, to the states that are there in the northeastern part of the country, normally kya hota tha? Wahan pe terrorism, ya drug trafficking, ya multiple other prostitution, multiple other problems were going on. जब से शेख हसीना, ऐसा नहीं कि टोटली जीरो हो चुका है ये भी श्योर है, लेकिन जब से आई हुई है शी हैड मेड श्योर दैट शी इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी। जीरो टॉलरेंस की स्ट्रेटजी इसने अपनाई हुई है।
जिस तरीके से इंडिया टेररिज्म को ऑपरेट नहीं करने दे रहा उसी तरीके से, और इंडिया को बांग्लादेश से कुछ टेररिस्ट निकल के जाते हैं वहां से, वो फॉर एग्जांपल अपनी शरण ले लेते हैं वहां से, इधर आके अटैक करते हैं, तो उसने क्या बोला, मैं इंडिया के ऊपर जहां तक पॉसिबल है आई विल नॉट बी अलाउइंग एनी टेररिस्ट टू ऑपरेट फ्रॉम माई होम ग्राउंड, मैं जहां तक पॉसिबल है किसी भी टेररिस्ट को अपने घर से ऑपरेट नहीं करने दूंगी हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। इंडिया खुश हो गया, अच्छी बात है। नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो अंडरटुक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी आया, कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द फोकस वॉज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, द फोकस वॉज ऑन डेवलपमेंट ऑफ अदर एरियाज, एंड नॉट ओनली, जब इंडस्ट्री डेवलप हुई लोगों के पास पैसा आया, नॉट ओनली दिस लोगों के पास पैसा आया तो थोड़ी सोशल स्टेबिलिटी भी आई, देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी दैट वॉज देयर। इंडिया को भी खुश हो गया बिकॉज वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है बिकॉज पाकिस्तान में डेवलपमेंट कम है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको आप इजीली इन्फ्लुएंस करके, फॉर एग्जांपल इस एक्टिविटीज में लग जा, गतिविधि में लग जा, इन्फ्लुएंस करना कंपेरेटिवली काफी हद तक आसान हो जाता है अगर पैसे की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे यार मैंने क्या लेना है, मैं क्यों जाऊं वहां पे पत्थरबाजी में, गोली चलाने में मर जाऊंगा, घर वाले दुखी हो गए, एक्सेट्रा। देयरफॉर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी भी आ गई है। जैसी सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई, शी अंडरस्टूड वन थिंग वेरी क्लियरली दैट वी नीड टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देयरफॉर बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर ऑल्सो स्टार्टेड, एंड इन दीज प्रोजेक्ट्स इंडिया वॉज ऑल्सो गिविंग गुड असिस्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट वॉज गिवन, पैसे दे रहे हैं जी आप डेवलपमेंट करो, बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, या कोई नहीं ऐसी ले लो आप डेवलपमेंट करो, असिस्टेंस वॉज गिवन, चाइना गिविंग बांग्लादेश में, इंडिया गिविंग बांग्लादेश में, जापान आने की कोशिश कर रहा बांग्लादेश में बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे कंपेरेटिवली डेवलपमेंट करना आसान है। जब ये सब चीज डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन, दैट लेड टू इंक्रीज इन फॉर एग्जाम्पल वॉट इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दैट वॉज प्रिपेयर्ड बाई IMF का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि इंडिया स्केल 2025 तक इंडिया के लेवल का पर कैपिटा इनकम इनका होगा, चाहे इंडिया से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, पर कैपिटा इनकम जितना पैसा हम कमाते हैं पर इनकम पर हेड उससे ज्यादा वो बांग्लादेश का एक एक बंदा या उतना तो कम से कम कमाएगा ही 2025 तक, उसके बाद आगे पीछे हो जाएगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी दैट वॉज देयर ऑल दीज पॉइंट। तो क्या वो IMF फ्रेंड्स, इसमें एक ही खूबी होती है, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किस टाइम के ऊपर क्या क्या कैसे जाए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट का नाम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मेरे को मैं यूट्यूब पे देखता हूं तो मसाले वाली चीजें देखता हूं, मैं बड़ी क्लियरली बताता भी हूं, ये मैं कभी नहीं देखता फॉर एग्जांपल वो कैसे पढ़ा रहा है, अगर देखता भी तो एक आधा मिनट के बाद पता लग जाता है, चलो छोड़ो, और ऐसा भी नहीं चलो ठीक है मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाता हूं, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, जितना भी एज पर एक्सपीरियंस मेरा है, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन आप कितना भी उठा के देख लो, कितना भी किसी का उठा के देख लो, जिस तरीके से आपको ये करवा रहा हूं वो ऐसे बहुत ही कम लोगों ने करवाया होगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है स्टार्ट करते हैं इंडिया बांग्लादेश आपस में आजादी में हेल्प करी, ऐसे ऐसे करके ये हुआ ये हो रहा, ये एग्रीमेंट साइन हुई, खत्म। This is not even the part of UPSC. पूछेगा ही नहीं वो। वो एक पूरे का पूरा concept के ऊपर पूछा है। तो मैंने starting क्या करी? For example, World Bank की report क्या बोल रही है? Study की report, study का क्या बोल रही है? Southeast Asia में connectivity के ऊपर focus है। इसलिए दोनों relations देशों को जरूरत है।
और अब यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की बात करी तो मैंने वहां पे IMF की रिपोर्ट भी वहीं पे कोट कर दी। अगर आप इस तरीके को समझ जाओगे ना कि कैसे कहाँ पे सर कोट कर रहे हैं, आपको वहां पे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बीच में दो तीन रिपोर्ट का उसको नाम देख गया ना, उसको लगेगा हाँ दिस इज वन स्टूडेंट जो पढ़कर आया है, समझ के आया है और डेफिनेटली इसको अच्छे नंबर देने बनते हैं। अगर ऐसे लिखोगे कंपेरेटिवली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट इसके मद्देनजर चलते हुए ही ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि दोनों के दोनों कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश इकोनॉमिकली भी कॉपरेट करें और पॉलिटिकल कॉपरेशन होना भी कंपेरेटिवली दोनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कॉपरेशन करना है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो ऐसा तो नहीं होगा एक ही एरिया, मल्टीपल एरियाज विल बी देयर फॉर कॉपरेशन विद ईच अदर, समझ रहे हो ना। जब कॉपरेशन करने ही लग गए तो शर्म क्या, कॉपरेशन का मतलब यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कनेक्टिविटी बनानी है। अब कनेक्टिविटी का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि सिर्फ हम रोड चला देंगे, रोड चलाओ, रेलवे चला लो, कुछ मोटर बाइक कलेक्ट कर लो, एयर कनेक्टिविटी कर लो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कर लो, समुद्री जहाज चला लो, कैसे कुछ भी करते रहो यार। कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मींस जो हम पॉलिसीज अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं पड़ोसी उसको इंप्लीमेंट करने में सहायता करे। फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बांग्लादेश क्या बोल रहा है, वी विल बी फॉलोइंग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, हम अपने देश से अपनी धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने देंगे। अगर वो भी कॉपरेट कर रहा है, हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहे हैं, देयरफॉर दोनों के उनको भी फायदा है और कंपेरेटिवली हमें भी फायदा पड़ेगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, आगे मूव करते हैं। देयरफॉर देयर मस्ट बी, अगर इकोनॉमिक कॉपरेशन मल्टीपल एरियाज है, पॉलिटिकल कॉपरेशन तो ऐसा तो एक ही डायमेंशन में हम करें, मल्टीपल एरियाज वुड बी देयर फॉर कॉपरेशन। व्हेन दीज टू कंट्रीज आर एंगेजिंग विद ईच अदर, बांग्लादेश बहुत अच्छे तरीके से समझता है इंडिया से इन्वेस्टमेंट हमें आ रही है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है हमें भी ग्रो करना है, पॉलिटिकल कॉपरेशन बिटवीन बोथ द नेशंस, राजनीतिक तौर के ऊपर कॉपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इंडिया को क्या जरूरत है बांग्लादेश की, छोटा सा देश है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बट ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दो वर्ड वो यूज कर रहा हूं, बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया because of Act East policy on the one hand neighborhood first policy। अरे एक छोटी सी बात पूछना भूले, जीरो टॉलरेंस क्या, जीरो टॉलरेंस का मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी जमीन से कोई हिंदुस्तान के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, अगर हुआ तो हम उसको खत्म कर देंगे। अरे इतना बांग्लादेश कर रहा हूँ, सबको बांग्लादेश तो पता है ना कहाँ पे है, अब ऐसे मत बोलना सर बांग्लादेश कहाँ पे है जी, ज्योग्राफी वाले मैप पता है ना। मैं नॉर्थ ईस्ट सोच चलूँ, आप उसको वेस्ट में बना दो। देखो भी अगर नहीं भी पता तो शर्माने की बात नहीं है। हाँ, तो शर्माने की बात नहीं है, बिना बताए अभी गूगल कर लो एशिया का मैप या इंडिया और बांग्लादेश का मैप गूगल कर लो और बिना किसी बताए बोल देना कि हाँ सर, हाँ पढ़ाया तो था लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। चलो ठीक है, why it is important for India cooperation is there, not only it is important for act east policy neighborhood policy but also important in the context jis tarike se aaj ke daur ke upar rajneetik level ke upar development ho rahi hai, jis tarike se aaj ke daur mein
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप हो रही है, शेप ले रही है, और बेसिकली दो एरियाज के कंटेक्स्ट में, वन इज फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक। एक आपको टॉपिक करवाया था क्वाड, याद आ गया, फोर कंट्रीज कॉपरेटिंग विद ईच अदर टू काउंटर चाइना कह सकते हो टू सम एक्सटेंट, इंडो पैसिफिक रीजन। अब दो तीन चीज आपको याद करवाता हूं, जब क्वाड कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, इट इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी दैट इंडिया इज फॉर्मेटिंग एंड यूएस की जो पॉलिसी बनी थी पाइवट टुवर्ड एशिया, मतलब चलो एशिया की तरफ मूव करते हैं, जब फॉर एग्जांपल ट्रंप था तो उस दोनों की पॉलिसी मैच कर गई थी। बांग्लादेश के साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप गुड रिलेशन, अगर हमने उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल करना है, अगर हमने चाइना को काउंटर करना है तो, और नॉट देयरफॉर इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में इट इज सिचुएटेड दैट, और खास करके इसलिए भी जरूरी हो जाता है बिकॉज 1/4 25% जो ट्रेड हो रहा है इस इंडियन ओशन से फॉर एग्जांपल गुजरता है, और बांग्लादेश के साथ हम जुड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, अगर अंडमान से अंडमान सी से भी जुड़ सकते हैं, और अगर ट्रेड करना है तो मलक्का स्टेट से भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ मलक्का स्टेट बताओ, क्वाड मीन्स चार कंट्रीज है, निशांत आप पुरानी क्लास देख लेना, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिल रहे हैं, मिलके डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और पैसिफिक रीजन में, अपना होल्ड बढ़िया करने के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट बे ऑफ बंगाल इज अ फोकस एरिया फॉर डेवलपमेंट, फोकस एरिया फॉर डेवलपमेंट। वाई? क्योंकि अगर इंडिया ने कनेक्टिविटी बढ़ानी है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इंडिया ने अच्छे रिलेशन डेवलप करने हैं बांग्लादेश के साथ, नॉर्थ ईस्ट से हमने कुछ एक्सपोर्ट करना है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि बे ऑफ बंगाल इज अ रीजन जहां से हम एक्सपोर्ट कर सकते, और बे ऑफ बंगाल वहां पे कौन लाई करता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री दैट इज देयर इज बांग्लादेश। इट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि बे ऑफ बंगाल आने वाले समय में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे होना कंपैरेटिव इज द नीड ऑफ द आवर, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे होना ही मजबूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी भी है और मजबूरी भी है, बिकॉज बांग्लादेश की लोकेशन इस तरीके से है, बांग्लादेश इज एन आइडियल पार्टनर फॉर इंडिया, बिल्कुल सही पार्टनर है इंडिया के लिए आज के कंटेक्स्ट में, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्टली इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, the location of Bangladesh is important in the context of Bay of Bengal, important in the context of Northeast region, agar humne wahan pe karna hai, Bangladesh is important agar apne terrorism ko khatam karna hai, the political stability Bangladesh mein hona bahut zyada zaruri hai, isliye aaj stability hai India mein stability hai ek partner banti hai, not all this, there is a good amount of economic growth bhi bahut zabardast tarike se ho raha hai, to hame ideal partner mil jata hai ki aise countries jahan pe growth ho raha hai inke sath hamara relation acha hona zaruri hi hai, and in this region Bay of Bengal ki jab baat karte hain, both India and Bangladesh agar ye sath milke chale, जैसे हमारे जयशंकर साहब ने बोला था, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव द पोटेंशियल टू चेंज द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन एज अ होल, दोनों के दोनों ही जियो इकोनॉमिक्स चेंज कर सकते हैं रीजन की। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब जिस तरीके से हमारी ज्योग्राफी है नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक्स जैसे ही है कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है
297% बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इंडिया को, इंडिया 172% इंडिया का बढ़ जाएगा, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़िया है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी, तो क्या यहाँ के पूरे लोग अमीर नहीं हो जाएंगे? अगर अमीर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, बाहर से बाहर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। देयरफॉर दे हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज व्हाट इज नोन एज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन एज अ होल, वहां पे उनके चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ही, सिर्फ बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स दैट आर ट्रेडेड सिर्फ इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से आते हैं, यहां से फिर मलक्का स्टेट्स और फिर आगे फॉर एग्जांपल चले जाते हैं बिजिएस्ट। और जब इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया की बात करते हैं और फॉर एग्जांपल इधर बे ऑफ बंगाल आ गया, यहां पे हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लिक्विडेड है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मल्टीपल अदर हल्दिया पोर्ट्स आर देयर, इन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ही 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है और हमारे अपने पोर्ट्स को हम कंपेटिटिवली यूज कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां पे कर सके। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इतना ही करना है कि उन्हें बोला है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन चेंज कर सकते हैं, इतना लिख लो, इससे ज्यादा मत लिखो। देयरफॉर हाँ वही है, देयरफॉर वन इज देयर बांग्लादेश में ट्रेड है, सॉरी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के ईस्ट कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और बे ऑफ बंगाल को ऐसा भी कहा जाता है इट इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के लिए गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, एंड कैसे, वाया अंडमान सी, वाया स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का हम साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। देयरफॉर साउथ ईस्ट एशिया, एशियन रीजन, साउथ चाइना सी हैव द पोटेंशियल, द फ्यूचर ग्रोथ इज कंपेटिटिव लाइंग ओवर हेयर, देयरफॉर दे आर इंपॉर्टेंट। Bangladesh is important for the economic development of India also, and therefore these two countries are cooperating with each other to a great extent, and the relation of cooperation have evolved with the passage of time. और जब से मोदी आया है तब से भी आए हैं, मोदी साहब आए हैं तब से ये potential comparatively और भी ज्यादा बढ़ गया है। Any problem till now? The relation between the two countries have been evolving with the passage of time. There is a good amount of relations कैसे आपस में strong होते जा रहे हैं पिछले कुछ समय से। For example, there is good amount of trade that is going on between the two countries. Trade बहुत ज्यादा है। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग डॉलर 9.21 बिलियन और वहां से इंपोर्ट हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन के आसपास। गैप है प्रेजेंटली डॉलर 7 बिलियन का, लेकिन ऐसा तो कह सकते हो ट्रेड काफी पोटेंशियल है और काफी ज्यादा ट्रेड भी हो रहा है, देयरफॉर इट कंपेरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन, इंडिया इज कॉपरेटिंग इन द कंटेक्स्ट दैट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के बाद 3 लाइन ऑफ क्रेडिट हमने इनको दिए। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दे रहे हैं और उसको आप उसी हिसाब से कंपेटिटिवली यूज कर लो, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ही कम रेट के ऊपर आप रिटर्न करना पड़ेगा। रेलवे, रोडवेज, पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए हम उनको देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई थी 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, टुक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, एक्सचेंज हुई थी थोड़ी बहुत ही जमीन, और हमने कैटेगरी बता दिया था अगर कोई बांग्लादेश में जाना चाहे तो बांग्लादेश में जा सकता है, अगर कोई इंडिया में बांग्लादेश वाला आना चाहे तो आ सकता है। उस रीजन में जो टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में, जो शुरुआत से प्रॉब्लम चल रही थी, अब फॉर एग्जांपल हमने वहां पे सॉल्व कर दिया। कनेक्टिविटी,
is developed to a great, great extent. Railways, roadways, and other things are there. Recent, for example, bus services are being there. They started and going on. Recent, for example, bridge Feni River ke upar banaya hai. Multiple bridges are basically bhi. Aur India ki, for example, connectivity northeast karne ke liye aur bhi jada asana agar Bangladesh mein wahan pe allow karta hai to. Not all this energy mein cooperation ki ja rahi hai. We are giving 600 megawatts of electricity to Bangladesh because हमारे वहाँ पे geographical location से हम electricity supply करते हैं और वो हमें for 10 Gbps speed के ऊपर हमारी northeast states को internet की facility provide कर रहा है. There is a cooperation that is there. That tourism that is also developed to a great extent. कहा जाता है कलेक्टिवली जितने लोग यूरोप से आते हैं उससे ज्यादा लोग तो फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से हमारे देश में आ जाते हैं. मेडिकल कॉपरेशन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल के तौर के ऊपर हम भी कॉपरेट कर रहे हैं बेसिकली इन द रिगार्ड कि किस किस लेवल के ऊपर ये रिलेशन और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है. देयरफॉर द टू कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर फॉर दिस रीजन. एंड इसी रीजन के चलते हुए रिसेंटली 2021 में मार्च में मोदी और शेख हसीना की मीटिंग भी हुई थी. उस मीटिंग में हमने इस लेवल इस फॉर एग्जांपल कॉपरेशन को आगे लेके जाने की कोशिश भी करी. देयर आर सर्टन इश्यूज विच आर देयर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. इश्यूज तो मुद्दे तो हमारे पाकिस्तान के साथ भी है, मुद्दे तो हमारे चाइना के साथ भी है, दूसरी कंट्री के साथ भी हो सकती है. इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्कशंस एंड फोरम्स के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे. There may be certain issues that are there, लेकिन हमें धीरे धीरे स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं ना. जैसे 1971 के बाद जब प्रॉब्लम थी 2015 में आके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की प्रॉब्लम खत्म हुई. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात हो रही है वो भी धीरे धीरे कंपेटिटिवली अचीव हो जाएगा. देयरफॉर इट इज बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्टिविटी एंड इंडो पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल के कंटेक्स्ट में. 2021 में रिवर फेनी के ऊपर आपस में दोनों के देश वाले प्रधानमंत्री मिले एंड दे एग्रीड दैट वी वुड बी कॉपरेटिंग विद ईच अदर. एंड कॉपरेशन के लिए बात हुई, कनेक्टिविटी की बात हुई, रीजनल इंटेग्रेशन की बात हुई. जब कनेक्टिविटी और रीजनल इंटेग्रेशन की बात करते हैं फाइव MOUs वर आल्सो साइंड, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वर आल्सो साइंड बाय बोथ द कंट्रीज. किस किस एरियाज में हमें कॉपरेशन अब प्रेजेंटली और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट. वी नीड टू कॉपरेट ऑन कनेक्टिविटी. वी नीड टू कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड कमर्स. वी नीड टू कॉपरेट ऑन स्पोर्ट्स. We need to cooperate on IT, information technology. ये फाइव एरियाज में हमें ऑलरेडी कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट भी हो चुका है. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो बीन देयर. और क्या बोला, इट इज सेड दैट वी नीड टू एंड टेररिज्म ऑल्सो. बोथ द कंट्रीज आर इक्वली कमिटेड ऑफ एंडिंग ऑफ टेररिज्म. कैसे हम उग्रवाद को कंपेटिवली खत्म कर सकते हैं. और इसके लिए क्या बोला दोनों कंट्रीज ने, दैट देयर वुड बी इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, कि बॉर्डर के ऊपर हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे. इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट विल ऑल्सो बी अंडरटेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दोनों के दोनों कंट्रीज को कॉपरेट करने की जरूरत है अगर बॉर्डर मैनेजमेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी के कंटेक्स्ट में जैसे जयशंकर ने क्या बोला, ही सेड दैट यार जापान बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है अलग अलग इंडो पैसिफिक कंट्रीज को, क्यों ना जापान से पैसे की बातचीत करी जाए. देयरफॉर जापान वाज आल्सो सेड दैट बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बांग्लादेश में बहुत हाई लेवल के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, देयरफॉर आसानी से जापान वाले यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट देने को कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रेडी हो जाएंगे.
तो कहने का क्या मतलब हुआ, कुछ एरियाज हैं जैसे फॉर एग्जांपल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी, कॉपरेशन, मेडिकल टूरिज्म, MOUs हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे दोनों की दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं ट्रेडिंग रिलेशन बढ़िया करने में. बट ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम भी काफी चल रही है. अब दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या चल रही है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चाइना दैट हैज बीन देयर. द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन बांग्लादेश इज ग्रेट. बांग्लादेश को राजनीतिक तौर के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नॉट ओनली पॉलिटिकली बट ऑल्सो बांग्लादेश को आप ऐसा लगा लो कि वहां पे बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं. दैट इज डेट्रीमेंटल टू, वो हानिकारक है किसके लिए, इंडिया के लिए. प्रॉब्लम इज देयर. तो जो इन्फ्लुएंस, जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाहे राजनीतिक तौर के ऊपर हो जाए, चाहे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. सेकेंड, ट्रेड डेफिसिट. जैसे बताया था, इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन का ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है, और वहां से हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन के आसपास आता है. तो 7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ना, बांग्लादेश इसके साथ कुछ नहीं है. तो यार ये क्या बात हुई, तुम्हें तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन हमें बेनिफिट उसका नहीं हो रहा. नेक्स्ट, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट. This is one river that is flowing from India to Bangladesh world region. यहाँ पे water sharing agreement है, कुछ percentage of water sharing तो है, लेकिन कोई भी final outcome अभी तीस्ता river के लिए नहीं आ चुका है. इसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि water basically एक state subject है. जब और जब भी कोई agreement करना है तो यहाँ पे बांग्लादेश की सरकार, इंडिया की सरकार, is there any problem? नीरज आप एक बार रिफ्रेश करो. और साथ ही वेस्ट बंगाल की स्टेट सरकार भी वहां पे बैठी होनी चाहिए, और बांग्लादेश के किसी के भी साथ, जब तक फॉर एग्जांपल आप ऐसा लगा लो कि ममता बनर्जी की सरकार है या नॉर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, तब तक ये तीस्ता का सोल्यूशन आना पॉसिबल नहीं है. ममता बनर्जी हर बार क्या कहती है, अगर हम इनको कंपेटिवली पानी दे देंगे तो हमारे अपने लोगों का लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम जरूरत से ज्यादा हम पानी उनको नहीं दे सकते. तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज स्टिल अ प्रॉब्लम बिटवीन बोथ द कंट्रीज. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज. जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदूज के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है और इंडिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम्स के साथ, बेसिकली माइग्रेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके दो साथ दोनों के दोनों कंट्रीज ही कंपेटिवली कुछ नहीं है. एंड इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया और पास भी किया गया, वो बांग्लादेश को हजम नहीं हो पाया कि आप हमारे माइग्रेंट को वहाँ पर जो आपके पास आगे कई सालों से सेटल हुए हुए हैं, आप उनको बाहर निकालने की कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं. नॉट दिस इश्यू ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इज अनदर मेजर इश्यू. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी नारकोटिक्स ब्यूरो बार बार कह रहा है कि बांग्लादेश से बहुत से ज्यादा ड्रग्स, फॉर एग्जांपल आप यूरोप में या दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और इंडिया उसको ट्रांजिट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे जो बॉर्डर लेवल के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग है, कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज करता जा रहा है कि बांग्लादेश से बहुत सारा ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल जाते हैं सेंट्रल एशिया में, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में. दो चीज है, एक होता है गोल्डन ट्राइंगल, दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट, चांद ट्राइंगल. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तीन अलग अलग कंट्रीज है, जहां पे बांग्लादेश हो गया, फॉर एग्जांपल थाईलैंड हो गया, अलग अलग लोग उसको अलग अलग कंट्रीज मानते हैं गोल्डन ट्राइंगल गोल्डन क्रेसेंट की. आप सिंपल भाषा में समझ लो
जो साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश और थोड़ी ईस्टर्न पार्ट में और कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ से ड्रग्स चलते हैं इंडिया के थ्रू पास होके पाकिस्तान वाले रीजन से आगे सेंट्रल एशिया में चले जाते हैं। पाकिस्तान वाले रीजन और उस अफगानिस्तान वाले रीजन को गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, कुछ ऐसे है ना। बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, यहाँ से इधर से बांग्लादेश में, बांग्लादेश से यहाँ, यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल और इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। तो ये ट्रांजिट पॉइंट है। इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने बहुत बार इसको प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रैफिकिंग इज कंपेटिटिव प्रॉब्लम। नॉट ओनली दिस, देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। दस मिलियन रेफ्यूजीज, 10 मिलियन रेफ्यूजीज बांग्लादेश की आजादी के बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गए थे, उसमें से कुछ वापस चले गए, कुछ यहीं पे है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनको भी बाहर निकालने की बात और कर रहा है। There is a problem of illegal migrants who are there in northeastern part of the country. उन्होंने वहाँ वाले लोगों का रोजगार छीन लिया है, डेमोग्राफिक कंट्रोल चेंज कर दिया है और कुछ लोग दिल्ली या अलग अलग जगह पे आ गए। इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, किसी भी कंट्री के लिए रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स गलत है और गलत कामों में भी काफ़ी लोग इंगेज हैं। तो प्रॉब्लम इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन। इंडिया बोल रहा है हम आपको वापस करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो यहीं पे आके यहाँ पर Not only this, there is armed dacoity that is going on, prostitution that is going on, cattles are being traded to a great extent, इधर से उधर चले जाते हैं, उसको कम fake money transfer, illegal migrants, terrorist activities, smuggling, drug trafficking, all these things are going on to a great extent, और बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के ऊपर हमेशा accuse करते रहे। Not only this, बांग्लादेश इज ऑल्सो अपोजिंग, इंडिया ने एक प्रपोज किया है डैम, द पाई मुख डैम। इज बींग प्रपोज बाय इंडिया ऑन रिवर बराकर, बरक रिवर के, बराक रिवर के ऊपर। हमने क्या बोला कि हम डैम बनाएंगे, बांग्लादेश वाले बोलते नहीं जी गड़बड़ है। वो क्यों गड़बड़ है? बिकॉज अगर आपस में रिलेशन कहने का कुछ हद तक सही भी है, बिकॉज हम सेम रीजन को, रीजन की वजह से चाइना को भी क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं अगर आपस में कल को प्रॉब्लम होगी दोनों देशों में, आपने एक जगह पे पानी इकट्ठा होगा, पानी छोड़ दोगे हमारी पॉपुलेशन जाएगी, या वहाँ पे हमारे पास वाटर कंट्रोल कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इट इज क्रिटिसाइजिंग इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। वो आपको करवा चुके हैं ऑलरेडी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर दैट इंडिया इज अंडरटेकिंग, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र के वाटर को फॉर एग्जाम्पल महानदी और फिर आगे गोदावरी के साथ आगे कनेक्ट किया जाएगा, तो उसको रोक रहे। बिकॉज अगर पानी इधर आ जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर पानी इधर आ जाएगा, इधर कंपेरेटिवली कम जाएगा ऑटोमेटिकली। देयरफॉर इट इज क्रिटिसाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाईमुख डैम दैट वी आर अंडरटेकिंग ऑन फॉर एग्जाम्पल द बराक रिवर, एंड ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग द इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट विच इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। सो दीज आर फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सिमेटली 10 इश्यूज, 9-10 इश्यूज दैट आर देयर दैट हैव कॉज द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बट अभी भी कोशिश कॉन्टिन्यूसली चलते जा रही है कि रिलेशन को और ज़्यादा बेटर किया जा सके। Is it clear till now? अगर रिलेशन खराब है तो ठीक कैसे करना है, इन्हीं को उल्टा कर दो। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक बॉर्डर के ऊपर फॉर एग्जांपल एक अच्छे से ज्वाइंटली एक कमीशन बैठाया जाए या ज्वाइंटली एक फोर्सेस तैयार करी जाए, वहाँ पे कंपेटिवली कम कर दो। बॉर्डर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से किया जाए। इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो इलीगल माइग्रेंट्स को भी रोका जा सकता है। अगर तीस्ता के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बना लो, जहाँ पे इंडिया का गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो और फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वहाँ पे कंपेटिटिव इसको इकट्ठा बैठाया जा सकता है। कॉपरेट करने की जरूरत है फॉर एग्जांपल सार्क कंट्रीज में, कॉपरेट करने की जरूरत है फॉर एग्जांपल बिमस्टेक कंट्रीज में,
और रिसेंटली जो साइन हुआ अभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है सॉरी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है कि कोई भी कंट्री फॉर मोटर व्हीकल मूव कर सकते हैं इन चारों कंट्रीज में। अगर ऐसे अच्छे कॉपरेट करो नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना, नॉर्थ ईस्ट को आप एंड में लिख सकते हो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट इंडिया के लिए प्राइम मोस्ट है। कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया फॉर हैविंग अ फेवरेबल एंड अ पॉजिटिव एक्टिव पॉलिसी इज फेवरेबल टूवर्ड्स इंडिया विद अ फोकस ऑन इंडो एशिया एंड देयरफॉर इंडो पैसिफिक रीजन। अगर ये इस चारों में हमें सक्सेसफुल होना है और बांग्लादेश को अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चलना है, देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट दोनों की दोनों कंट्रीज आपस में अच्छे तरीके से कॉपरेट एंड कोऑर्डिनेट करें, फुल स्टॉप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इनिशियल फेज में आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता होगा, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अब आपको आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट हाँ नीरज, इसको उल्टा कर दो जो प्रॉब्लम है। अगर इलीगल माइग्रेंट्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, डकैती है, लूटपुट कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे से बॉर्डर का अच्छा मैनेज कर लो। अगर तीस्ता के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो एक ज्वाइंट कमीशन बना लो, उस तरीके से कॉपरेट कर लो। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कॉपरेट कर लो, माइग्रेंट्स को आप वापस भेज दो, वैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर, इससे ज्यादा आपको इंडिया बांग्लादेश के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वेरी सिंपल, ट्रेड डेफिसिट करने के लिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ठीक है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी अपने आप वो डेफिसिट कम हो जाएगा ना। जैसे हमने गौरव किया था ना, एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश के 297% बढ़ेंगे, हमारे तो 172 है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है फॉर एग्जाम्पल चार कंट्रीज, भूटान इंडिया बांग्लादेश और नेपाल, इन चारों कंट्रीज में आपस में एक एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसके अंडर अभी हुआ फाइनल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, एग्रीमेंट एक बार डिस्कशन में है, काफी हद तक हो भी चुका है कि क्या करेंगे कि यहाँ पे मोटर व्हीकल जैसे गाड़ियां आ जा सकती हैं। आप सिंपल भाषा में समझ लो, राइजिंग सी वाटर लेवल वल्नरेबिलिटी, हाँ वहां पे भी कर सकते हैं। अरे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियंस सिक्स बुद्धिस्ट जैन्स, इन पांच कम्युनिटीज तो हैं। अगर ये पांच कम्युनिटीज बाहर से चल के हिंदुस्तान में आके सेटल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम्स आके सेटल होते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इनको लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं ये मुस्लिम्स के साथ। अभी ठीक है उज्जवल,